प्रिया, प्रिया। हाँ क्या है? अरे वो क्या है ना, मेरे घर की टीवी खराब हो गई है और मुझे अपना फेवरेट शो देखना है, तो मैं क्या तेरे यहाँ की टीवी देख लूँ? हमारे घर पर ही टीवी देखनी है इसे। अरे क्या हुआ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अब आओ तुम देख लो टीवी। ये कविता तो बार बार मेरे घर पर आ जाती है, इसका मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे प्रिया। हाँ भैया। अरे मेरी घड़ी कहीं मिल नहीं रही है, तूने देखी क्या? नहीं भैया, मैंने तो आपकी घड़ी नहीं देखी, पर हाँ ये कविता कब से यहीं पर ही है, तो क्या तुमने भैया की घड़ी कहीं देखी? नहीं प्रिया, मैंने कोई घड़ी नहीं देखी। अच्छा अब कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं, घर में से घड़ी जाएगी कहाँ, क्यों है ना भैया? हाँ ये ठीक रहेगा, ढूंढ ही लेते हैं, मैं अंदर देख लेता हूँ। कहाँ गई ये घड़ी? ये भैया भी ना कहीं रखकर भूल जाते हैं। अरे कविता एक काम करो, तुम अपने साथ ये पर्स लाई हो ना, जरा एक बार इसमें चेक करवा दो। इसमें? पर इसमें घड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, पर एक बार चेक करने में क्या ही जाएगा, लाओ मैं चेक कर लेती हूँ। ये क्या है कविता? अरे ये घड़ी मेरे पर्स में कैसे आई? खुद अपने पर्स में रखकर अब बहाने बना रही है। रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। भैया 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 जल्दी इधर आओ तो। हाँ क्या हुआ? भैया घड़ी आपको घर में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये घड़ी इस कविता ने अपने पर्स में छुपा रखी थी। नहीं नहीं मैंने नहीं रखी ये घड़ी अपने पर्स में, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये घड़ी मेरे पर्स में कैसे आई। कविता ये तुमने सही नहीं किया, मुझे लगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम तो चोर निकली। चल चल अब बहाने मत बना, चोरी करके अब नाटक कर रही है, चल जाए यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? अरे प्रिया मैंने वार्डरोब में 5,000 रुपए रखे थे, क्या तुमने देखे क्या? नहीं भैया मैंने नहीं देखे पैसे। अच्छा ठीक है, एक बार तू तेरा ये वाला पर्स देना मुझे, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। आप मुझ पर शक कर रहे हो? ये लो देख लो। तो फिर ये क्या है? अरे ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आए, मैंने तो नहीं रखे। जिस तरह मेरी घड़ी कविता के पर्स में चली गई थी ना, ठीक उसी तरह ये पैसे तुम्हारे पर्स में भी आ गए। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने ये पैसे तुम्हारे पर्स में रखे। अब थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो ऐसी हरकतें करना छोड़ देना और कविता से माफी मांग लेना।